अरे वाह, ये झील तो जम गई। मैं तो स्केटिंग करूंगा। वाह तोते चैट। मैं भी आ रहा हूँ। क्या हुआ गॉन, मुझे देखो कितनी स्टाइल से स्केटिंग कर रहा हूँ। देखो टन टन। मैं भी कर सकता हूँ। देखो कितनी सारी मछलियाँ है। लो कर लो बहुत। हाँ चलो मछलियाँ पकड़ना शुरू करते हैं। अब दिखा दो अपना कमाल तोते चैन। ये लो। अरे अब हम मछलियाँ पकड़ने के लिए तैयार हैं। पता नहीं कहाँ गए। उन्होंने कहा कि लंच तक वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी तक क्या मछली ही पकड़ रहे हैं। वो रहे तीनों। अप्पा, गॉन, तोते चैन, मैं तुम तीनों का खाने पर इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ आराम से बैठकर मछली पकड़ रहे हो। ठंड लग रही है। वो तो लगेगी ही, तुम्हें ऐसे खुले में बर्फ पर इतनी देर नहीं बैठना चाहिए था। लेकिन अम्मा वहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं। सही कहा, लेकिन इस बार हम मछलियाँ पकड़ कर ही रहेंगे। चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। मछलियाँ पकड़ने के लिए तैयार। अब कौन समझाए इन तीनों को। ऐसा लग रहा है कि हम फिर से जमने वाले हैं। हवा भी कितनी ठंडी है। आइडिया। इसके अंदर हमें ठंडी हवा परेशान नहीं करेगी। चलो फिर से मछलियाँ पकड़ते हैं। चलो आजा आजा, आ गई। मैंने भी पकड़ ली। मैं भी कम नहीं हूँ। हमारा सच में जवाब नहीं। हमने इतनी सारी मछलियाँ पकड़ ली। हमारी लॉटरी लग गई। इतनी सारी मछलियाँ देखकर मेरे पेट में चूहे डिस्का तांडव कर रहे हैं। हाँ। अरे वाह, ये देखो मजा आ गया। क्या बात है। सबके लिए खाना मुझे यहाँ लाना पड़ा। ये सब कहाँ चले गए। गॉन, तोते चैन, अप्पा, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अब ये खाना लेके कहाँ कहाँ जाऊँ मैं। तुम सबसे मैंने पहले ही मना किया था। फिर से सर्दी लग गई ना। बंद करो ये सब, अब सीधे घर चलो। इतनी बड़ी मछली थी। पहली बार देखी। मुझे लगता है वो जरूर इस झील की रानी होगी। लेकिन टेस्टी होगी। अब अगर तुम मेरे लिए वो मछली पकड़ कर दोगे तो मैं तुम सबको माफ कर दूंगी। ला दोगे ना अप्पा वो मछली। कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। वो तो पड़ेगी। हमें उस मछली को हर हाल में पकड़ना होगा, तभी तुम्हारी अम्मा हमें माफ करेगी। लेकिन अप्पा हम कांटे पर चारे के लिए क्या लगाएंगे। अगर हमें इतनी बड़ी मछली पकड़नी है तो हमें चारे के लिए भी कोई बड़ी चीज लगानी पड़ेगी। लेकिन क्या। मैं नहीं अप्पा।
जान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अगर मछली ने तुम्हें मुंह में ले भी लिया ना, तो भी मैं तुम्हें उससे बचा लूंगा। खाने नहीं दूंगा उससे किसी कीमत पर भी तुम्हें। टेंशन मत लो। अगर आपने मुझे बचाने में देर कर दी तो वो मछली मुझे खाने में देर नहीं करेगी। चलो तोते चैन, अब शुरू करते हैं। शुरू हो गया। लगता है कि मछली आ गई। कांटे को कसकर पकड़े रहना तोते चैन, छूटने मत देना। आज मैं मछली खाऊंगी, आज मैं मछली खाऊंगी, आज मैं मछली खाऊंगी, आज मैं मछली। इन तीनों को आने में काफी देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अप्पा, गॉन, तोते चैन, कहाँ हो सब? पता नहीं ये तीनों फिर से कहाँ गायब हो गए। आसमान थोड़ा ऊंचा है, और जब आसमान ऊंचा होता है तो हवा बहुत अच्छी लगती है। और जब ऐसी हल्की हल्की हवा चलती है तो मन अंदर से बहुत खुश हो जाता है। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मैंने सही कहा ना गॉन? हाँ, पीको चैन, अब मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो। अब मुझे जल्दी से बताओ कैसा लगा? क्या कैसा लगा, ये क्या कह रही है तोते चैन? मुझे क्या पता। तो तुम्हें कोई फर्क नहीं लग रहा? मैं बाकी के दिनों से कुछ अलग लग रही हूँ। अलग लग रही हो पीको? हाँ समझ गया, आज तुमने अपने गाल पर कुछ लगाया है ना, वो लाल लाल लग रहे हैं। तुम अंदर के बेवकूफ हो, तुम्हें मुझ में कुछ भी अलग नजर नहीं आता। हाँ पीको, देखो जरा ध्यान से देखो। देखो पीको, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, है ना तोते चैन? ऐसा ही समझ लो। मुझे एक बात बताओ। क्या हुआ? मैंने जो अभी अभी किया, तुमने उसकी आवाज सुनी थी क्या? तुम किसी को बताओगे? नहीं। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच? हाँ। मतलब बिल्कुल सच कह रहे हो? हाँ। मैं तुम पर भरोसा करूं? हाँ। किसी को बताए तो? हम कह रहे हैं ना कि हम नहीं बताएंगे, अगर हमने बताया तो तुम हमें कोई भी सजा दे दो, हमें मंजूर होगी। मुझे भी मंजूर। तो ठीक है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन अगर फिर भी ये बात तुमने किसी को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज के खाने का जो स्वाद है वो पहले कभी नहीं आया। गॉन, तोते चैन, आज तुम दोनों ने क्या किया? क्या तुम पीको के साथ नहीं खेलने गए? अप्पा, ऐसा करना बहुत ही बुरी बात होती है। लेकिन मैं क्या करूं, पुरानी आदत से मजबूर हूं, चाहो तो तुम भी करके देख लो। लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं। झूठ बोल रही हो, है ना गान? हाँ, भी ऐसी आवाज।
चाचा चाची कैसे हैं आप? मैं तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी, बस तीर जरा गलत चल गया। अरे पीको, तीर चलाने की प्रैक्टिस करना तो अच्छी बात होती है। पीको, बहुत सही समय पर आई हो। आओ आओ, तुम भी हमारे साथ थोड़ा खाना खा लो। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी भूख लगी है। थैंक यू चाची। तुम पीको के बारे में कुछ कह रहे थे ना? मैं क्या कह रहा था? कौन कितना भुलक्कड़ है। मैं क्या करने वाला था, मैंने पीको को प्रॉमिस किया था कि मैं वो बात किसी को नहीं बताऊंगा, इसलिए मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। हाँ, जरूर। लेकिन समझ में नहीं आता मैं ऐसा कैसे करूं। बात तो वैसे बहुत हंसी वाली थी, लेकिन फिर भी मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए, है ना तोते से? सही कहा। लेकिन वैसे तुम क्यों हंस रहे हो? अरे तुम लोग यहाँ कैसे? बताओ तुम क्यों हंस रहे हो? वो बात ये है कि मुंह खुला तो नहीं, बस ऐसे ही। कोई हंसी की बात थी क्या? गॉन के बारे में है? नहीं नहीं, मेरे बारे में नहीं। या फिर तोते चैन के? नहीं, मेरे बारे में नहीं। तो पीको चैन के? हो सकता है। तो बताओ पीको के बारे में क्या बात है? असल में बताओ पीको के बारे में क्या बात है? बताओ पीको के बारे में क्या बात है? असल में वो आज सुबह तुम उन्हें बताने वाले थे ना? नहीं नहीं, मैं उन्हें नहीं बताता। नहीं बताते। ध्यान रखना, अगर ये तुमने किसी को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ समझ गए, हम किसी को नहीं बताएंगे। कभी नहीं बताएंगे। सच में? सच में हम किसी को नहीं बताएंगे। चलो तोते चैन। मैं किसी को बताना चाहता हूँ। बात पच नहीं रही। किसी राज की बात को छुपाना कितना मुश्किल होता है। हेलो अंकल, कैसे हैं? मैं बताऊँ क्या, अंकल कैसे हैं? नहीं रहने दो। अब हम काफी दूर आ गए हैं। मुझे नहीं लगता कि पीको पीको से कुछ कहना चाहते हो क्या? बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया पीको से। पीको चैन नहीं है, बस बहुत हो गया, मुझसे और नहीं रुका जाता। मुझे पता है कौन वो बात किसी को नहीं बताएगा। अब मैं किसी को तो वो बात बता कर ही रहूंगा। हाँ ये ठीक है, पीको चैन ने आवाज निकाली पू पू। पीको चैन ने आवाज निकाली पू पू। पीको चैन ने आवाज निकाली पू पू। मछली ने मचाया धमाल। हाँ, मेरे हाथों एक भी मछली नहीं लगी। मेरे भी नहीं। ए! हाँ? कुछ हाथ लगा क्या? अरे अरे, ये तो वही बदमाश लोग हैं तोते चैन। तुम लोग भी मछलियाँ पकड़ने आए हो क्या? लगता है तुम लोगों ने भी आखिर मेहनत करके पेट भरने का फैसला कर ही लिया। बेवकूफ, तुम हमसे ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हो? चोरी हमारा काम है, हम जरूर चुरा लेंगे और हम कभी नहीं सुधरेंगे। ना
बदमाश कहीं के जिस बोट पे वो तीनों एक साथ खड़े होंगे उसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता। उन्हें छोड़ो, तुम दोनों मछलियाँ पकड़ने में लगे रहो। ठीक है अप्पा, मैं अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। तोते चैन, सारी मछलियाँ पिकनिक मनाने गई। पकड़ ली। क्या कर रहे हो? जल्दी से मछली पकड़ो ना। बहुत कामचोर हो तुम लोग। मछली पकड़ो आलसी। अप्पा देखो वो हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। वो लोग तो अपनी हद पार करते जा रहे हैं। आलसी कहीं के, जल्दी मछली पकड़ो। हमें अपना काम करने दो, परेशान मत करो और मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हाँ उधर देखो, जल्दी देखो, देखो देखो उधर। गौन तोते चैन मेरी मदद करो। मछली कौन सी है? पहले तो कभी नहीं देखी। ये आरा मछली है, लगता है ये उसका बच्चा है, लेकिन इसे खाने में बड़ा मजा आएगा। रुक जाओ। हैं? वो मछली हमारी है, हमें दे दो। वो मछली हमें दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। दे दो, दे दो। अब हम क्या करें? भाग जाओ यहाँ से। अगर मछली खाने का इतना ही शौक है तो खुद क्यों नहीं पकड़ लेते तुम? इस तरह तो हम डूब जाएंगे। जो भी फैसला करना हो जल्दी करो। ठीक है रॉक पेपर सीजर। हम जीत गए। अब हम नहीं डूबेंगे। लेकिन अप्पा वो मछली तो यहाँ पर भी छेद कर सकती है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब ये क्या? अप्पा अब क्या हो गया? ओए! चाहे तुम कितनी भी होशियारी दिखाओ हमसे बच नहीं पाओगे। मछली हमें दे दो, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। वो लोग तो पीछे ही पड़ गए। अप्पा अब हम क्या करें? मेरे तो दिमाग का फ्यूज हो गया है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। ए, लो ये मछली तुम लोग ही ले लो। अप्पा आप ये क्या कर रहे हैं? ये लो मैं फेंक रहा हूँ। ये तो आरा मछली है। नहीं, ये हमें इतनी आसानी से कैसे दे दी? ये हुई ना बात। अच्छा तो वो बड़ी मछली अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। अब तुम्हारे खाली दिमाग में ये बात घुसी कि दूसरों की चीज नहीं हथियानी चाहिए, क्यों बोलो? अप्पा हमें उन्हें बचा लेना चाहिए। अगर तुम कहते हो तो बचा लेता हूँ। अगर एहसान चुकाना चाहते हो तो जाकर उस छेद को बंद करो और तोते चैन को आराम करने दो। मेहरबानी होगी। कभी नहीं। क्या पहले तो तुम कह रहे थे कि तुम कुछ भी करोगे। कहा था ना। तुम्हें पता नहीं चोरों की बातों में कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ओके बॉस कहीं के। तुम गंदे लोग हो। तो हमेशा से ही ऐसे थे और हम हमेशा ही ऐसे रहेंगे, समझे? अब ऐसा क्यों हुआ? हमने तो वो छोटी मछली समंदर में फेंक दी थी। ओए जोकर कहीं के, जरा अपने पीछे तो देख। पीछे किधर? उस छोटी मछली को समंदर में फेंक दो। मछली निकालो जल्दी। जल्दी से उस मछली को अपने पीछे से छुड़ाओ। अरे मछली को जल्दी से निकालो। अरे जल्दी निकालो। अरे ये क्या किया तुम? अकल के चरखों को मछली भी ठीक से फेंक दी नहीं आती। अकल के चरखे तो तुम हो, हम तुम्हें अपनी ताकत दिखा देंगे। दिखा दो, दिखा दो। चुप करो और जल्दी से मछली को समंदर में फेंको। वही तो कर रहा हूँ। देखो इस तरह फेंका जाता है। ये ले पकड़। ये लो, ये ले, ये लो, ये ले।
बहुत अच्छे तो चैन, ऐसे ही लगे रहो। इस बार तो मैं फेंक कर ही रहूंगा। ऐसे ही लगे रहो और उन्हें दिखा दो कि हम किसी से कम नहीं हैं। तुमसे इतना भी नहीं होता, ये देखो। अरे हम जीत गए। निकल गई ना तुम्हारी सारी खुशी की हवा। हाँ ये ठीक है। अरे आखिर हमने मछली फेंक दी। अप्पा, देखो मैं तुम तीनों के लिए खाना लाई हूँ। अरे ये क्या? अरे वाह देखो, मुझे मछली भी मिल गई। गॉन की अम्मा, जल्दी से उस मछली को फेंक दो। अप्पा!